तो बच्चों, मैं हूं मोनिका जाखर, लेक्चर इन इंग्लिश। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे मोमेंट्स बुक का चैप्टर ईश्वर दी स्टोरी टेलर के क्वेश्चन आंसर्स। बच्चों, जिसमें हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, ऐसे टाइप क्वेश्चंस भी करेंगे, इसमें हम टेक्सचुअल क्वेश्चंस भी करेंगे, इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज महेंद्र, वॉट डिड ही डू। महेंद्र कौन था और वह क्या करता था। महेंद्र वॉज अ यंग मैन, ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइजर इन अ फर्म। महेंद्र एक युवा व्यक्ति था, वह एक फर्म में, फर्म का मतलब कंपनी कोई भी, एक फर्म में जूनियर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत था। हिज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उसका जो काम था, उसकी जो जॉब थी, वो ये थी कि कीप एन आई का मतलब नज़र रखना। उसका काम था वर्क साइट यानी कि काम वाली जगह पर मजदूरों की एक्टिविटीज़, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना। ही वॉज़ अ बैचलर, वह एक बैचलर था, वह कुंवारा था। एंड हिज नीड्स वर सिंपल, और उसकी जो नीड्स थी, जो उसकी मांगें थी, वो बहुत ही साधारण थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज ईश्वरन, ईश्वरन कौन था। ईश्वरन वॉज महेंद्र's कुक, ईश्वरन महेंद्र का कुक था, यानी कि उसका रसोईया था, उसका खानसामा या बावर्ची था उसका। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन वॉट वे इज़ ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र, यानी कि किस तरीके से ईश्वरन महेंद्र के लिए एक एसेट था। एसेट का मतलब होता है बच्चों संपत्ति, उसके लिए एक संपत्ति के समान कैसे था वो। ईश्वरन इज़ महेंद्र's कुक, ईश्वरन महेंद्र का कुक है। ही इज़ क्वाइट अटैच टू महेंद्र, वह एक तरह से जुड़ा हुआ है महेंद्र से, उसको महेंद्र से काफ़ी लगाव था। ही कुक्स फॉर हिम, उसके लिए वह खाना बनाता है। वॉशेज हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता है। एंड टेल्स हिम स्टोरीज एट नाइट, और रात को उसे वह कहानियाँ भी सुनाता है। ही फॉलोज हिम वेर एवर ही गोज़, और महेंद्र जब भी अपने काम के सिलसिले में कहीं भी जाता है, वेर एवर का मतलब कहीं भी जाता है, तो उसको फॉलो करता है, ईश्वरन उसे फॉलो करता है, यानी कि उसके साथ साथ जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब ईश्वरन्स अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। कैपेसिटी का मतलब होता है बच्चों उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमता। तो उसकी एक क्षमता थी प्रोड्यूस वेजिटेबल्स, यानी कि कहीं से भी वो सब्जियां ले आता था, प्रोड्यूस करता था, पैदा कर देता था अचानक से। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है, हमने वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन की थी चैप्टर की। तो इसका आंसर होगा, ईश्वरन प्रोड्यूस वेजिटेबल्स फ्रॉम नोवेयर, यानी कि ईश्वरन कहीं से भी वेजिटेबल्स ले आता था। दैट इज़ इवन वेयर देयर आर नो शॉप्स फॉर माइल्स, यानी कि ऐसी जगहों से भी वो सब्जी ले आता था जहाँ पर मीलों दूर तक कोई दुकानें ना हो। ही वुड प्रिपेयर डिलीशियस डिशेज विदिन एन आवर ऑफ रीचिंग अ न्यू प्लेस, यानी कि जब भी वो किसी नए जगह पर शिफ्ट होते तो वहाँ जाने के घंटे के अंदर अंदर, एक ही घंटे में वह डिलीशियस डिशेज बना देता। प्रिपेयर माने बनाना, डिलीशियस का मतलब स्वादिष्ट, और डिशेज माने पकवान। वह एक घंटे के अंदर अंदर स्वादिष्ट पकवान बना देता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, वॉट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स। अब बच्चों, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ईश्वरन ने अपरूटेड ट्री को डिस्क्राइब कैसे किया, यानी उसने कहानी सुनाई थी महेंद्र को कि उसने एक रस्ते पर बीचों बीच एक अपरूटेड ट्री को देखा। अब वह कहानी वह कैसे सुनाता है, और इस कहानी के जरिए वो लिसनर्स में, यानी सुनने वालों में, किस तरह का इफेक्ट, यानी क्या प्रभाव पैदा करना चाहता है या क्या प्रभाव डालना चाहता है। तो ईश्वरन डिस्क्राइब्स द अपरूटेड ट्री ड्रामेटिकली, यानी कि ईश्वरन उस जड़ से उखड़े पेड़ को नाटकीय रूप से, ड्रामेटिकली का मतलब नाटकीय रूप से पेश करता है, वर्णन करता है उसका। ही सेज दैट वन मूनलिट नाइट, यानी कि एक चांदनी रात में, मूनलिट का मतलब चांदनी रात में, ही सॉ अ बिग एंड टेरिबल बीस्ट लाइंग ऑन द रोड, उसने एक बहुत बड़े और भयानक बीस्ट का मतलब जानवर को रोड पर पड़े हुए देखा था, फैल कर लेटा हुआ था वो। ही वॉज टेरिफाइड, उसने कहा कि मैं डर गया था। बट देन ही रीच्ड नियर एंड फाउंड दैट इट वॉज एन अपरूटेड ट्री, लेकिन उसके बाद वह उसके नज़दीक गया, रीच्ड नियर माने नज़दीक गया, और उसने देखा कि वह तो एक अपरूटेड ट्री है, यानी जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ है जो कि सड़क पर पड़ा है। ही वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इफेक्ट ऑफ सस्पेंस इन हिज लिसनर्स। अब ये हमारा सेकेंड भाग का आंसर है कि वह इस कहानी से अपने सुनने वालों में, लिसनर्स में, एक सस्पेंस का इफेक्ट, यानी कि रोमांच का इफेक्ट डालना चाहता था। आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज ईश्वरन नरेट द स्टोरी ऑफ द टस्कर। टस्कर माने हाथी, एलिफेंट, यानी कि ईश्वरन हाथी की कहानी कैसे सुनाता है। डज इट अपीयर टू बी पॉसिबल, पॉसिबल का मतलब होता है बच्चों संभव प्रतीत होना। तो क्या ये संभव थी जो उसने कहानी सुनाई थी, क्या वो सच हो सकती थी। तो आंसर होगा इसका, ईश्वरन सेज दैट ही वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम। ईश्वरन कहता है कि उस समय, जबकि ये बात है, वह जूनियर क्लास में पढ़ता था। अ मैड एलिफेंट एंटर्ड हिज स्कूल ग्राउंड, एक पागल हाथी
पहले तो शहर में घुस गया, उसके बाद वो उसके स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। ही स्ट्रक द एलिफेंट टोन नेल विद अ स्टिक, उसने मास्टर जी से एक छड़ी ली और उस छड़ी से एलिफेंट की टोन नेल पर स्ट्रक किया, यानी कि चोट करी, उसके जो पैर के अंगूठे थे, अंगूठा था, उस पर चोट करी उसने स्टिक की मदद से, छड़ी की मदद से। इट शिवर्ड एंड फेल डाउन, जो हाथी था उसने शिवर किया, शिवर्ड मतलब वो कांप गया, और फेल डाउन और क्लैप्स हो गया, वो नीचे गिर गया। अ वेटनरी डॉक्टर वॉज कॉल्ड, एक पशु के डॉक्टर को बुलाया गया। द स्टोरी इफ डज नॉट अपीयर टू बी प्लॉसिबल, हम यह कहेंगे कि यह स्टोरी संभव प्रतीत नहीं होती। इट सीम्स टू बी एन इमेजिनरी स्टोरी, यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी लगती है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन सीम टू मोर दैन मेकअप फॉर द एबसेंस ऑफ अ टी वी इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स। तो बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऑथर ऐसा क्यों कहता है। ऑथर यहाँ पे हमें पता है कि यह बताता है कि ईश्वरन जो था वो महेंद्र के लिए एक टीवी का काम करता था। महेंद्र के पास टीवी नहीं था घर में, और इसकी कमी को ईश्वरन पूरा करता था। वो कैसे? बिकॉज ईश्वरन टोल्ड डेली अ स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर एंड सस्पेंस टू महेंद्र, क्योंकि ईश्वरन रोज़ाना महेंद्र को एक स्टोरी सुनाता था जो कि एडवेंचर, रोमांच और सस्पेंस से भरी होती थी। इट वॉज़ अ ग्रेट इन्जॉयमेंट फॉर महेंद्र, और महेंद्र के लिए ये कहानियाँ सुनना बहुत ही एन्जॉयमेंट की बात होती थी, उसे बड़ा आनंद मिलता था। तो इस तरह से उसकी टी वी की कमी भी पूरी हो जाती थी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र कॉल्स गोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। जब ईश्वरन महेंद्र को भूतों वाली कहानी सुनाता है तो महेंद्र कहता है ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है। वॉट हैपन्स टू हिम ऑन ए फुल मून नाइट, लेकिन एक पूरी चंद्रमा की रात को उसे क्या होता है? महेंद्र डज नॉट बिलीव इन घोस्ट और स्पिरिट्स, महेंद्र भूतों और आत्माओं में विश्वास नहीं करता था। स्पिरिट्स का मतलब आत्माएं और घोस्ट माने भूत। बट ऑन वन फुल मून नाइट, लेकिन एक पूरी चांदनी रात को, ही इज़ अवेकेंड अप फ्रॉम स्लीप बाय अ लो मोन, वह अपनी नींद से जाग जाता है। अवेकेंड का मतलब होता है जागना, और मोन का मतलब होता है बच्चों कराहने की आवाज़, एक धीमी सी कराहने की आवाज़ सुनकर वह नींद से जाग जाता है। देन ही लुक्स आउट ऑफ द विंडो, जब वह खिड़की से बाहर देखता है, ही सीज अ डार्क क्लाउडी फॉर्म ऑफ अ वुमन, उसे एक औरत की काली परछाई नज़र आती है। महेंद्र बिगेंस टू स्वेट विद फियर, स्वेट का मतलब होता है पसीना आना, और महेंद्र को वह देखकर पसीना आ जाता है, यानी कि वह बुरी तरह से डर जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। बच्चों हालांकि ये सुनने में क्वेश्चन जो है देखने में कुछ इंपॉर्टेंट ना लगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बोर्ड में ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि क्या आप इस स्टोरी की कोई और एंडिंग सोच सकते हैं। ईश्वरन दी स्टोरी टेलर की जो कहानी थी उसकी स्टोरी हमने एंड में पढ़ा था कि महेंद्र डर जाता है और अगले ही दिन वहाँ से उस जगह को, हॉन्टेड प्लेस को छोड़ने के लिए अपने ऑफिस में चला जाता है। शायद वो ट्रांसफ़र के पेपर लेके जा रहा था ये मन में सोचकर कि वह इस जगह को छोड़कर चला जाएगा। लेकिन हमें ये पूछा गया है कि क्या इस स्टोरी की कोई और एंडिंग भी हो सकती है। तो व्हेन महेंद्र सीज अ फिगर आउटसाइड द विंडो एट नाइट, हम ऐसी एक स्टोरी बनाएंगे, उसकी एंडिंग कुछ और बनाएंगे कि जब महेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा, तो जब उसने उस आकृति को देखा खिड़की से बाहर रात को, ही टेक्स करेज एंड रीचेज द फिगर, वो साहस जुटाता है और उस आकृति के पास पहुंच जाता है। एंड कैचेज इट, और उसे पकड़ भी लेता है। ही रिमूव्स द मास्क फ्रॉम इट्स फेस, और वह उस आकृति के चेहरे से मास्क को हटाता है। एंड फाइंड्स दैट इट इज़ ईश्वरन हिज कुक, और वह ये पाता है मास्क हटाने के बाद कि ये तो ईश्वरन है, उसका रसोईया। ही हैज़ प्लेड अ जोक ऑन हिज मास्टर, और ईश्वरन ने उसके साथ मजाक किया है। आगे बच्चों हम करेंगे इसका ऐसी टाइप क्वेश्चन। अब मैं एक ही ऐसी टाइप क्वेश्चन करवाऊंगी ताकि बच्चों को आसानी रहे याद करने में। इसका जो मेन ऐसी टाइप क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो यही है कि ईश्वरन एक मास्टर स्टोरी टेलर था, एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर था। डिस्कस कीजिए या डिस्क्राइब कीजिए कैसे। तो क्वेश्चन है, इज़ ईश्वरन ए फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर, क्या वाकई में ईश्वरन एक फैसिनेटिंग स्टोरी टेलर था, और डिस्क्राइब, इसका वर्णन कीजिए। तो आंसर होगा, ईश्वरन इज़ ए मास्टर स्टोरी टेलर, ईश्वरन एक मास्टर स्टोरी टेलर है, बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है, वक्ता है, कहानी सुनाता है अच्छे से। ही इज़ फॉन्ड ऑफ रीडिंग तमिल थ्रिल्स, वह तमिल थ्रिल्स यानी कि तमिल भाषा की रोमांचक किताबें पढ़ने का शौकीन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ का शौकीन होना, तो उसे रोमांचक उपन्यास पढ़ने के शौक है। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरीज़ आर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज थ्रिल्स, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है बच्चों प्रभावित होना, और ज़्यादातर जो ये स्टोरीज़ होती थी तमिल थ्रिल्स, ये थ्रिल्स से ही इन्फ्लुएंस्ड होती थी, यानी कि इनमें भरपूर रोमांच होता था। ही नरेट्स इवन द सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन बाय क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस इन इट, ईश्वरन जब भी कोई कहानी सुनाता था, या कहानी ही नहीं बल्कि अगर कोई सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन भी है, कोई छोटी सी बात है, उसे सुनाते समय भी वह उसमें बहुत सारा सस्पेंस यानी रोमांच क्रिएट करता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही हैज़ टू डिस्क्राइब अ फॉलन ट्री,
जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि उदाहरण के लिए अगर उसे किसी गिरे हुए पेड़ का वर्णन करना है, डिस्क्राइब करना है उसे, तो ही वुड से दैट ऑन वन मूनलिट नाइट, तो वह ऐसे कहता था कि एक चांदनी रात को ही सॉ अ बिग एंड टेरिबल बीस्ट लाइंग ऑन द रोड, एक चांदनी रात को उसने एक बहुत बड़ा और भयानक जानवर देखा जो कि रोड पर पड़ा हुआ था, लाइंग ऑन द रोड। व्हेन ही रीच्ड नियर, जब वह नज़दीक पहुँचा, ही फाउंड दैट इट वॉज एन अपरूटेड ट्री, उसने देखा कि यह तो एक अपरूटेड ट्री है, यानी जड़ से उखड़ा हुआ पेड़ है। ही वुड गिव द स्टोरीज अ सरप्राइज एंडिंग, वह अपनी कहानियों में एक सरप्राइज एंडिंग देता था, यानी कि एक हैरान करने वाली उसका अंत होता था कहानियों का। ऑफन ही गेट्स एक्साइटेड वाइल टेलिंग अ स्टोरी, और जब भी वो, ऑफन का मतलब अक्सर, यानी जब भी वह कोई स्टोरी सुनाता था तो वो खुद एक्साइटेड हो जाता था, रोमांचित हो उठता था, उत्सुक हो जाता था। ही वुड जंप एंड स्टैम्प हिज फीट इन एक्साइटमेंट, यहाँ तक कि जब वह कोई कहानी सुनाता था तो वो अपनी जगह पर बैठा बैठा कूद पड़ता था। ये भी हमने बच्चों लेसन पढ़ते हुए समय पढ़ा था कि वह कूद जाता था, उठ खड़ा होता था, स्टैम्प हिज फीट इन एक्साइटमेंट, और उत्साह में, रोमांच में वह अपने पैरों को भी ज़मीन पर पटकने लगता था। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि जब भी मेरा कोई नया वीडियो आता है तो आपको पता चल जाएगा। बच्चों, अगली वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, तो थैंक यू।